सब दिल्ली शहर में रहता हूँ, जामा मस्जिद में, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ वॉल के डिस्टेंस। ये सबसे पहले तोप देखेगी, ये लेके भाग जाते हैं ना दिल्ली शहर में, भाई तो भी बड़ी तेज में गांड फटने वाले, मुझे पता है, क्योंकि पानी भी नहीं लेके आए आज हम। क्या फायदा, गर्मी बहुत है यहाँ, पानी दारू कोल्ड ड्रिंक जो लाना चाहो ले लो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा ठंड में आना। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस सुबह सुबह आ चुके हैं लाल किले को दिखाने आपको और बकचोदी की क्लास स्टार्ट करने, तो चलते हैं आगे। और हमारे साथ हमारे दोस्त आए जिसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तैयब अरे रोनी। तो दोस्त करो यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट पड़ेगा भाई चांदनी चौक का। अच्छा ठीक है ना, नहीं चांदनी चौक नहीं, लाल किले का पड़ेगा वो रहा सामने, वो सामने मेट्रो स्टेशन G20 दिख रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट के साथ मेट्रो स्टेशन है वही। बस स्टैंड, बस स्टैंड भी भाई वही पड़ेगा यहाँ पर नियरेस्ट, जहाँ से भी आ रहा हूँ ना घर पर बोल कर आना कि भाई डिहाइड्रेशन हो सकता है मेरे को, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। पानी दारू कोल्ड ड्रिंक जो लाना चाहो ले लो, मैं आपको रेकमेंड करूँगा ठंड में आना भाई यहाँ पर, गर्मी में अगर अपना आपको खिलसाने के लिए। बहुत लोग आ रहे हैं यार, अब आने स्टार्ट हुआ ना, छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, संडे यहाँ से स्कैन करके इसके टिकट रेट केवल स्मारक के 50 रुपये, 35 रुपये अगर कैशलेस करते हैं आप तो, और मॉन्यूमेंट के 80 रुपये, 56 रुपये ऑनलाइन है। यहाँ से है एंट्री फ्लर। दोस्तों हमें लग रहा था इस गर्मी में हम ही खाली चूतियाँ हैं जो हम लाल किला घूमना है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग चूतियाँ हैं। देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं इस मॉन्यूमेंट को देखने। हाँ से यहाँ पर अकबर नाच रहा है, नहीं खुआ रहे हैं घर सब ने। तो बच्चों चलती रहेगी पूरी वीडियो को देखेगा लास्ट तक, और चैनल व्यवस्था है तो चैनल को सब्सक्राइब। मैं देख लेना, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, इतने बहुत काम है लोगों के पास, फिर भी हम आते हैं इतनी गर्मी। दोस्तों इधर है लाल किला और इस साइड देखें वो चांदनी चौक की मार्केट, रोड को क्रॉस करके चांदनी चौक की मार्केट है। यहाँ पे झंडा फहराते हैं, यहीं पे प्रधानमंत्री हमारा 15 अगस्त को झंडा फहराता है, झंडा फहराया जाता है, वो है वो चांदनी चौक का मेन रोड, वही तो उस रोड को क्रॉस करके ना चांदनी चौक का, वहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। बताओगे ना लहंगा मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी, वो लगता है मेला उधर भी मेला लगता है, है नहीं है ड्रामा, यहाँ से एंट्री नहीं हो सकती, वहाँ से यूं घूम कर जाओगे वहाँ, कोई सेंस है इस बात का। यहाँ पे भी टिकट काउंटर है, कौन सा गेट नंबर है, वो कौन सा गेट था जिसने जहाँ से हमने ली थी, वो दोस्तों वो था ऑफिसर्स के लिए जो अभी भी अंदर काम कर रहा है चूतिया बनाने का। और एक इधर से एंट्री है, एक इससे जो गरीब लोगों के लिए समझा रहा है, तरफ से जाओ तो तुम्हारे लिए महिलाएं और जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पिछली वीडियो में बताया था ये हमारे रज्जू जगह घुस गए, कोई बात नहीं है, कोई शेयर नहीं करेगा, तो इस सिक्योरिटी को तो यहाँ से क्या ले जाए, ईंटे उसका नाम है यार भाई साहब, इसका नाम है खूनी दरवाजा, खूनी ये वहाँ पर फांसी चढ़ाई गई थी लोगों को, झंडा में कुछ नहीं पता, हमसे पूछ रहा हूँ वॉल गेट इंस्टेंस होगा मैक्सिमम, घमंड है कभी फोटो नहीं खिंचवाया आगे खड़ो के लाल के लिए, देख लो लोगों को दिखाओ, दिखाओ लोगों को दिखाओ। दोस्तों वैसे तो हम भी दिल्ली NCR में ही रहते हैं, बहुत टाइम होगा रहते हुए, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, ये सबसे पहले तो दिखेगी, ये लेके भाग जाते हैं ना दिल्ली से, मैं भाई तो भी बड़ी तेज में यहाँ पे रखे हैं एंट्री करती तो प्रति से। दोस्तों दोस्तों झंडा फहराने जो आते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो इस वाले रोड से, इस वाले स्टेज से ऊपर जाते हैं, उनकी आत्माओं ने रूप ले लिया, मार्केट वाला रोड है यहाँ पे, मार्केट मीना बाजार बोलते हैं, और एक और नाम बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मीना नहीं कुछ और भी बोलते हैं मीना बाजार के नाम भाई, इसको मीना बाजार और क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं भाई को, भाई दुकान लगा रहे हैं पर भाई को पता नहीं, कोई बात नहीं चलो, होता है होता है, हर किसी को हर कुछ नहीं पता। ये देखो जी दोस्तों ये छत्ता बाजार, छत्ता बाजार दिल्ली से का है, तुम नहीं हो भाई दिल्ली से ही, इतना होता हम ज़्यादा दूर के भी नहीं है, ज़्यादा दूर के भी नहीं हो, पर दिल्ली से हवा चलती है तो इधर भी आती है, हम 96 के हैं, 96 के हम छः उसमें भी हैं, छः उसमें भी है भाई, 69 वाले हो, 69 और 96 93 है वो 69.com नहीं, बताओ कौन सी क्लास तो दोस्तों ये है म्यूजियम, इसकी टिकट 80 रुपये, और इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये रहा इसका बोर्ड, ये पहले के जो फायदा, कुछ फायदा हुआ इसका,
इससे क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? सीखने को ये मिलता है कि मौजूदा जो इस वक्त सरकार है वो इससे सिर्फ फायदा उठा रही है कि उसको पैसा मिल रहा है, एक रेवेन्यू जनरेट होगा, ये फायदा और कुछ फायदा नहीं है। एक सीख और मिलती है कि खाओ पियो मौज करो। दोस्तों ये वाला है पुराना म्यूजियम और उधर जो दिखाया था वो था नया म्यूजियम। हम नहीं है तमीर, हमने लिए म्यूजियम का टिकट, इसका एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ता है। बात ये है सारी, इसका अलग है एंट्रेंस, उसका इसका एंट्रेंस यहाँ से बनाना है ब्लॉग। और यहाँ पे पूरी की पूरी कहानियाँ बन जाती हैं, कोने कोने में आशिक बैठ रहते हैं और पूरी फिल्म लिख के चले जाते हैं। यहाँ पे ये सब बंद है दरवाजे। पूरी गर्मी में कैसे ब्लॉग बनाएंगे? गांड तो भी बढ़ रही है यार, गर्मी बहुत हो रही है। सामने यहाँ दरबार लगता था, वहाँ बैठक लगती थी, यहाँ बैठक लगती थी, जो भी किसी से रिलेटेड केसेस होते थे ना वो यहाँ सुनवाई होती थी। सामने सुनवाई मतलब ये कोर्ट था क्या? कोई कोर्ट था? हाँ भाई कोर्ट, भाई कोर्ट था यहाँ पे पहले दरबार, मतलब दरबार में लोग अपनी है ना परेशानी लेकर आते, परेशानियाँ लेकर आते थे, वो भी उससे पहले बहुत सारी चीज़ होती थी। लोग तो आने में थक जाते होंगे जैसे हम थक जाते हैं। अरे कोई तुम्हारी इतना कम स्टेमिना वाला थोड़ी होता राहुल भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। गाली खा गई मानेगा क्या? दे बहुत बड़ी के गाली दे गाली क्या बता रहा मैं दे, ना तू दे रहा है ना मैं दे रहा हूँ गाली। हम देते नहीं बहन कल किसी को। और बताते अब क्या चल रहा है? पड़े पड़े रिइंबर्समेंट नहीं दे रहा इंटरनेट का। वो इस बार आया मेरा 750 रुपए आया, मेरा फरवरी का अब आया, मेरा जनवरी का तुम्हारे नहीं बंदे तभी तो पूछा क्या कर रहा है गांजा पूरा। ये देखो एडिक्शन है जी, हो रहे। अब जैसे कि दो जालियां दिख रही है ना आप लोगों को, यहाँ पर लेडीज बैठा करती थी, बाकी इन लोगों का यहाँ दरबार लगता था, जितने भी लोग होते थे यहाँ महाराजा बैठा करता था जो भी उस टाइम पर। आपको क्या लग रहा है? लोग गांजा बुक के बैठे हैं, गांजा गांजा ओ ओ। जूम नहीं हो सकता, महंगा कैमरा है, वहीं जाना पड़ेगा। अरे देखे क्या? नहीं देखा, उन्होंने उल्टा में देख लिया। पर जब यहाँ अरेंजमेंट अलग थी तो ये होया करता था बुकिंग ऑफिस या टिकट घर, और यहाँ से एंट्रेंस होती थी और जो एंट्रेंस खुली रहती थी, पर अब बंद हो चुकी है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। अरे यार उसको छोड़, एक साल पे सैलरी बढ़ती है, बड़ी सैलरी नहीं बढ़ी। और यहाँ तो मिली नहीं, 6 मिलने जो दूसरी सरकार आएगी वो पैसे देगी, ये होती है यार हमारे स्कूल। देखो मैं कह रहा था ना दोस्तों, कन्फर्म नहीं है मेरे को ये क्या जगह थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है नहर बस्ती, उसके लिए बनने की जगह। ये एरिया है जो इस रास्ते अंदर जाने का, जैसे कि आप देख सकते हैं यार, ये तो इतना मुझे भी नहीं पता। तो बोला तो 500 रुपये दे के आया था ना दोस्तों। यहाँ पर है ना ये सारा हैंडमेड वर्क हुआ हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कृपया प्रदर्शित से दूर रहें, कि यहाँ जा नहीं सकते, पर हम तो वगैरह इंसान हैं, हम तो जाएंगे, हमारा कौन बिगाड़ेगा। देखो वैसा भी है एंट्रेंस नीचे जाने का, देखो पार निकलना पार, ये उस साइड का है जो नीचे बाग है ना वहाँ जाने का रास्ता है। खास महल इस जगह का नाम, ड्रामेबाजी कर रहा हूँ। आर्ट अटैक देख लो भाई साहब, हैंडमेड वर्क देख लो, ये ऊपर देखो लकड़ी का काम होगा अगर दिख भी रहा हो तो। लकड़ी है? हाँ जी लकड़ी है, और नीचे प्योर वाइट मार्बल का काम है, और उसके ऊपर ये वर्क हो रखा है। अबे ये मार्बल डिजाइन आड़ में जाए, देखो जी ठस्से मार रहे हैं ऊपर, किसी ने देखा नहीं अभी तक तो, जैसे देखेगा भगा देगा। ये भाई साहब बैठे हैं, और ये है नीचे का एरिया जो पार्क रहता है इनका। ये देखो लैंड किसको कुछ नहीं पता, घूम ही आया। देखो दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, ये है मोदी मस्जिद, सॉरी मोदी नहीं मोती मस्जिद, ठीक है ना भाई साहब? ये देखो यहाँ प्रमाण है इस चीज़ का, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें पढ़ा जाए पढ़ देना पूरी। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं, ये जगह
और एक ये जगह। अब कहोगे क्या था ये, मुझे पता था यही सवाल पूछोगे आप। ये क्या था, ये इसमें क्या था? ये वाला एरिया था जो सीधा आगरे के लिए निकलता था। ये लिटरली सच बात है, अभी ये रास्ता है, अभी ये रास्ता भाई, ये आगरा जाता था यहां से, लिटरली आगरा जाते थे ऐसा। इतनी मेट्रो गई है, सुरंग है भाई साहब, इतनी मेट्रो की सुरंग बंद हो गई होगी अब तो, उसका नहीं पता, पर हाँ जा रही है। बाकी आप गूगल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। बाकी जितनी हमें पता है और हमारे भाइयों को पता है उतनी हम आपको बता रहे हैं। मैंने देखा वीडियो में, वीडियो भी ख़त्म नहीं है, वीडियो आगे तक चलेगी। अगर चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को देखिए लास्ट तक। और फोनर भी आ रखे हैं, फोनर आ चुके हैं, देख सकते हो, फोनर आ चुके आ चुके हैं। अरे बात करो ना, समझ आएगा। हेलो गाइस, सुंदर नगरी में गए थे, सुंदर नगरी हाँ, से हाय। अरे हेलो बोलो ना इनको, हेलो गाइस, से हेलो इन कैमरा। यार इन्हें देखा नहीं, बेइज्जती हो गई भाई। अब तो लोग आने स्टार्ट हो गए, क्या फायदा हुआ, इनसे तो मुझे लेने दे, पैसा खर्च कर कर आए तब सब बेकार हो गए। ये है संडे का रश लाल किले में जाने का। इतनी बहुत गर्मी हो रही है, कसम से हालत ख़राब हो गई। दोस्तों हम तो बहुत जल्दी आ गए थे, 7 बजे 8 बजे करीबन। अब देखो कितनी भीड़ है, कितना रश है, टाइम देखो, लगे वाले गरीब लगे हुए लाइन में, और टिकट तुम्हारा वाइन ऑनलाइन इन्हीं के, कैसे जाहिल लोग हैं कितने ऑफलाइन। और आप ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, वहाँ पे 12 रुपये देकर आपको लाहौरी गेट तक छोड़ देंगे, सिर्फ 12 रुपये में आपको लाहौरी गेट छोड़ देंगे ना भाई। 12 रुपये कैसे, 10+ GST। हाँ तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के बाद। टिल देन बाय बाय।